एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जैसे हमारी शादी हो रही है तो उनके किट में, ब्राइडल के किट में क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपके पास एक किट होना चाहिए, कोई भी किट हो। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का किट हो, कोई भी किट हो, बैग हो, कैरी बैग हो, छोटा सा आता है उस टाइप का, कई तरीके के आपके किट मिल जाते हैं मार्केट में, एक से एक किट मिल जाते हैं। तो ये मेरा शादी का है तो मैं इसी को यूज करती हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। कुछ इस तरह का है ये, देखिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप न्यू नवेली दूल्हन आप शादी करके जा रही हैं तो आपके पास एक अच्छी सी क्रीम होनी चाहिए जो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर मैं अपने किट में रखती हूँ गुड वाइब्स की क्रीम। अगर आप नई नवेली दूल्हन, अगर आप शादी के बाद गई हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लीजिएगा फाउंडेशन, क्योंकि कुछ दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 दिन रहते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रुक पाते हैं। तो 5 दिन फाउंडेशन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अच्छा सा फाउंडेशन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मेबेलिन फिट मी है जो मेरा फेवरेट है। तो शादी के बाद भी मैं लैक्मे का ले गई थी, अब इस टाइम में मेरा ये मेबेलिन फिट मी है। बैकग्राउंड को लेके माइंड मत लीजिएगा। सेकंड, आपके पास होना चाहिए कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब भी आप फाउंडेशन लगाइए उससे पहले आपके लिए मॉइस्चराइजर इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका जो बेस हो, जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और अच्छा दिखे, ड्राई ना हो, ड्राई पेचेस ना पड़े, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको चाहिए कोई अच्छा सा प्राइमर। प्राइमर मैं आपको सजेस्ट करूंगी फोटो फोकस प्राइमर। ये थोड़ा सा, इससे आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। जाहिर सी बात, अगर आप ब्राइडल हो तो आपके फेस पे ग्लो होना ही होना है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फेस पे ग्लो होना ही चाहिए इस वजह से। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हो गई फेस के लिए हमारे। और उसके लिए आपको कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट चाहिए। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट, अगर आप भूल जाते हो, छूट जाते हो, तो आप जहाँ छूट जाता है तो आप जहाँ जाते हो ससुराल में, वहाँ पर आपके पास कोई भी बेबी पाउडर या किसी का भी पाउडर हो तो आप यूज कर सकती हैं, वरना आप कॉम्पैक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको चाहिए क्या शेडो। आई शेडो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप बिल्टन वाइट का, इसमें का छोटा भी आता, मिनी भी आता है। आपको ज़्यादा नहीं ताम झाम करना आई शेडो के लिए, अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो उतना कुछ। तो इसमें एक गोल्डन शेड है बस, आप ये कंसीलर, फाउंडेशन जो भी लगा कर इस शेड को लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा, आप बहुत ही खूबसूरत भी दिखोगे। तो ये आपके लिए आई शेडो बेस्ट है, आप ये भी ले सकते हो। इसमें आपको कई कलर मिल जाएंगे, इससे छोटा वाला भी है, अभी मैं लेकर नहीं बैठी वरना मैं आपको दिखा देती, तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसमें भी लाइट शेड ही है बस और डार्क शेड नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपको चाहिए अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर, या फिर आप ले लीजिए फ्लैट ब्रश और या फिर पफी ब्रश। मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर। तो आप अपने, थोड़ा सा मैसी मेकअप किया ना इस वजह से, तो आप अपने मेकअप किट में ये ब्यूटी ब्लेंडर जरूर रखिएगा। ठीक है, ओके, तो इतना मैंने आपको बता दिया। देन मैं आपको बताती हूँ क्या, मस्कारा। मस्कारा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने मेकअप किट में मस्कारा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप फॉल्सेस मत यूज करिएगा शादी के बाद। अगर आप घर में रह रहे हो ना तो फॉल्सेस नहीं अच्छी लगेंगी। अगर आप कहीं जा रहे हो पार्टी वगैरह में तो आप फॉल्सेस यूज कर सकते हैं, वरना आप मस्कारा लगाइए, 2 से 3 कोट लगाइए, आपका आई जो पलके हम बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। ठीक है, ये 100 रुपीज़ का मेरा मस्कारा है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जेल लाइनर। जेल लाइनर से आपका एक ये फ़ायदा, आप काजल भी लगा सकते हो, लाइनर भी लगा सकते हो, अपनी आईब्रो को फिल भी कर सकते हो। तो जेल लाइनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अगर आपको लाइनर नहीं लगाना आता है तो आप रखिए स्केच लाइनर, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लाइनर ज़रूर रखिएगा, इससे आपकी आँखें जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। ठीक है, सेकेंड, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जेल लाइनर से अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं फिल कर सकते हैं तो आप अपनी मेकअप किट में आईब्रो पेंसिल ज़रूर रखिएगा, जो 200 की है मेरी, अमेजोन से मैंने लिया था, बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके पीछे आपको कॉम्बे मिल जाएगा जिससे आप अपनी आईब्रो को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक लाइनर चाहिए, एक लिक्विड लिपस्टिक चाहिए। लिक्विड लिपस्टिक मैं इसलिए बोलती क्योंकि वो लॉन्ग स्टे करती है, काफ़ी देर तक टिकी रहती है और काफ़ी अच्छा लुक भी देती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कोई भी लिक्विड लिपस्टिक रखिए। मैं आपको ब्रांड नहीं बोलूंगी, ये रखिए वो रखिए जो आपको पसंद हो। लिक्विड वैसे लिपस्टिक तो मैरिड के पहले भी सब लगाते हैं तो इंसान को पता होगा कौन सी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप NYB के रख सकते हैं, लैक्मे के रख सकते हैं। हुडा ब्यूटी की प्रॉब्लम ये है, यहाँ से निकल जाती है। अगर आप हुडा ब्यूटी को रखना चाहते हो उससे पहले से कोई बुलेट लिपस्टिक लगाइए, उसके बाद आप हुडा ब्यूटी लगाइए तो वो चलेगी, लॉन्ग स्टे करेगी। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा सिंदूर और बिंदी। सिंदूर और बिंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इससे आपके फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं भी आपको लगा के दिखाई देती हूँ इस बात पे। तो बिंदी और सिंदूर ज़रूर रखिएगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है फेस पे इस वजह से। ठीक है,
और साथ ही साथ मैं भी सिंदूर लगा लेती हूँ। इससे देखा आपने, बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। तो शादी लग रही हूँ ना, मैं नई नवेली दुल्हन। तो ये सारी चीज़ें आपके मेकअप किट में ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी। मैंने आपको ब्लशर हाइलाइटर कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि शादी के बाद वैसे भी हमारा फेस ग्लो करता है। अगर आप ब्लशर रखना चाहते हो, हाइलाइटर रखना चाहते हो, रख सकते हो। बट मैंने वही चीज़ें आपको बताई जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो मेन ज़रूरी हैं, बस वही चीज़ें मैंने आपको बताई। बैकग्राउंड को लेकर माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा करके दूर पर ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई, तो मैं सन लाइट में बनाती हूँ, बाहर किसी दूसरे के घर के सामने। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।